तो भाई इस थार का इंटीरियर देखने के बाद मुझसे रहा ही नहीं गया कि मैं इस गाड़ी का इंटीरियर आपके साथ ना शेयर करूं। तो ऐसा क्या स्पेशल है इस इंटीरियर में, वो मैं आपको दिखाने वाली हूं इस वीडियो के अंदर। नोएडा और मैं हूं कृतिका, और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक और थार का इंटीरियर, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटीरियर है। और सबसे पहली बात, ये रेड थार है। अभी तक आपने ब्लैक थार ही देखी होगी, बट मेरे पास रेड थार आई है। इसमें हम लोगों ने अंदर से कंप्लीट इंटीरियर मॉडिफिकेशन किया है, तो वो मैं आपको एक बार दिखाने वाली हूं। तो मुझे एक बार ज़रूर बताना इंटीरियर आपको कैसा लगा, और कलर कॉम्बिनेशन, स्पेशली कलर कॉम्बिनेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा है। तो आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताना। तो भाई इस गाड़ी के अंदर बैठते ही मुझे इतना ज़्यादा लग्जीरियस फील हो रहा है ना, लग ही नहीं रहा है कि मैं थार के अंदर बैठी हूँ। क्योंकि इस गाड़ी का अगर आप इंटीरियर देखोगे ना एक बार, जो कलर कॉम्बिनेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। होपफुली आप लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग, पहले मैं आपको लेके चलती हूँ इसकी रूफ़ की तरफ। रूफ़ आप इसकी देखोगे तो हम लोगों ने टोटली एम ग्रे की है। गाड़ी में कॉम्बिनेशन रखा है वो ब्राउन और एम ग्रे का रखा है, तो ये कम्प्लीटली हम लोगों ने एम ग्रे की है, जो कि डायमंड कट में की है। और डायमंड कट के साथ साथ थ्रेड वर्क भी हम लोगों ने सेम टू सेम एम ग्रे का ही रखा है। अब इसके साथ साथ इसके पार्ट पे हम लोग नज़र डालते हैं, जो कि इसके स्पीकर का पार्ट कम्प्लीटली रूफ़ से मैच होता हुआ और साथ में इंटीरियर से मैच होता हुआ लेदर सॉफ्ट कोटिंग की है हम लोगों ने, जो कि आपको एक लेदर का टच फील देता है। अगर आप इसको टच करोगे तो आपको बहुत सॉफ्ट फील होता है, बहुत हार्ड फील नहीं होता है, जैसा कि आपको कॉमनली प्लास्टिक पे फील होता है। अब साथ में इसके नज़र डालते हैं डैशबोर्ड के पार्ट पे। डैशबोर्ड अगर आप देखोगे, अपर डैशबोर्ड हम लोगों ने कम्प्लीटली ब्राउन रखा है और लोअर डैशबोर्ड हम लोगों ने कम्प्लीटली एम ग्रे रखा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इसमें अगर मैं टच की बात करूँ, टच करके आपको ऐसा नहीं लगने वाला है कि प्लास्टिक है या बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्योंकि लेदर सॉफ्ट कोटिंग जो होती है वो आपके जो प्लास्टिक पार्ट है उसको थोड़ा सॉफ्ट फील करती है। आप फील करोगे तो आपको सॉफ्टनेस फील होता है। साथ ही में अगर इसका कंसोल पार्ट आप देखोगे, उसको भी हम लोगों ने कम्प्लीटली कर दिया है एम ग्रे। तो अगर यहाँ से अगर आप इसका फ्रंट लुक देखोगे ना डैशबोर्ड का, तो बहुत ही ज़्यादा अलग लगने वाला है आपको। साथ ही में अब इसके नज़र डालते हैं हम लोग इसके डोर पे पार्ट की। डोर का जो पार्ट है आप देखोगे, सेम टू सेम हम लोगों ने डैशबोर्ड की तरह ही रखा है। अपर हम लोगों ने ब्राउन रखा है, लोअर पे हम लोगों ने यहाँ पे एम ग्रे रखा है। लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आप देखोगे, जो इसका सेंटर वाला पार्ट है ये हम लोगों ने ब्राउन ही रखा है, जिस पे हम लोगों ने कम्प्लीटली लेदर सॉफ्ट कोटिंग की है। मे बी आपको लग रहा होगा वीडियो में कि ये लेदर है, बट ये लेदर सॉफ्ट कोटिंग है, जो कि आपकी गाड़ी को कम्प्लीटली लेदर का ही लुक देता है। तो ये हमारा कम्प्लीटली लेदर सॉफ्ट कोटिंग है। पैनल्स पे हम लोगों ने कम्प्लीटली एम ग्रे किया है। प्लस इसमें अगर हम लोग, मैं आपको दिखाऊँ इसका स्टेयरिंग, स्टेयरिंग अगर आप देखोगे तो कम्प्लीटली डुअल टोन है। और देखो कलर कॉम्बिनेशन, जो कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। थ्रेड वर्क हम लोगों ने इसमें कम्प्लीट ब्राउन रखा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एम ग्रे के साथ यूज़ किया है ब्राउन, तो वो कलर कॉम्बिनेशन ही बहुत ज़्यादा एकदम, आप बोल सकते हो कि ब्राइटनेस एकदम ब्राइट होके आ रहा है, एकदम निखर के आ रहा है। साथ में इसका जो हॉर्न पैड है, हॉर्न पैड हम लोगों ने कर दिया है कम्प्लीटली एम ग्रे। तो ये कम्प्लीट एक लुक दे रहा है स्टेयरिंग को। प्लस इसके साथ साथ अब हम लोग बात करते हैं इसके आर्मरेस्ट की। तो अभी तक आपने जो वीडियोस देखी है, मे बी आर्मरेस्ट में आप लोगों ने पैटर्न जो देखा होगा वो सिंपल ही देखा होगा, प्लेन देखा होगा। बट हम लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि सीट्स में कम्प्लीटली डायमंड है, तो उससे मैच होता हुआ हम लोगों ने आर्मरेस्ट जो है वो भी डायमंड कट में किया है, जो कि कम्प्लीटली ब्राउन है। और थ्रेड अगर आप नोटिस करोगे तो कम्प्लीटली ब्राउन थ्रेड है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है। और साथ में कुशनिंग भी एक्स्ट्रा है, तो आपको कंफर्ट जोन भी एक्स्ट्रा मिलने वाला है, और स्पेस तो आपको इसमें मिलने ही वाला है, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल किया है 3-piece आर्मरेस्ट, जो कि आपका पीछे की सीट्स को भी कवर करता है और आगे की सीट को भी कवर करता है। तो ये हमारा फ्रंट भी रहता है, जिसके अंदर आपको प्रॉपरली स्पेस मिलने वाला है सामान रखने के लिए। तो अब हम नज़र डालते हैं इस गाड़ी का मेन हाईलाइट पॉइंट, और वो है इसकी सीट। क्योंकि सीट में हम लोगों ने, पहली चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, थाई सपोर्ट हम लोगों ने एक्स्ट्रा किया है, क्योंकि इसके अंदर सीट्स इतनी ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होती है। सो दैट्स वाई हर कस्टमर जो है उनकी ये रिक्वायरमेंट रहती है कि हम लोग को थाई सपोर्ट चाहिए, तो थाई सपोर्ट यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा दिखने वाला है। साथ ही में हम लोगों ने, अगर मैं इसके पैटर्न की बात करूं,
तो कम्प्लीटली डायमंड हम लोगों ने रखा है। आप देखोगे ऊपर से नीचे तक कम्प्लीटली डायमंड है, और जो थ्रेड वर्क हम लोगों ने यूज़ किया है सेम सीट के कलर से मैचिंग का किया है। लेकिन अगर इसके बैक कवर की मैं बात करूँ तो बैक में हम लोगों ने कम्प्लीटली रखा है ब्राउन। तो जहाँ पे आप ब्राउन देख रहे हो वहाँ पे आपको ब्राउन दिखने वाला है, और जहाँ पे आप एम ग्रे देख रहे हो वहाँ पे आपको एम ग्रे दिखने वाला है। तो कम्प्लीटली गाड़ी की अगर आप फिनिशिंग देखोगे सीट्स की तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और अगर मैं बात करूँ इसके कम्फर्ट जोन की तो हम लोग स्पेशलाइज है कस्टमाइज सीट्स में, तो कम्फर्ट जोन में आपको कोई कमी नहीं मिलने वाली है। साथ ही में एक बार मैं आपको लेके चलती हूँ उसके बैक सीट्स पे कि बैक सीट्स में कितना कम्फर्ट जोन है और बैक सीट के आर्मरेस्ट कैसे हैं, तो वो भी मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे से तो गाड़ी अच्छी है, पीछे से अच्छी है या नहीं है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ पीछे सीट्स पे। तो बैक सीट्स की अगर मैं बात करूँ, पहले हम लोग बात करते हैं आर्मरेस्ट की। आर्मरेस्ट जैसा आपने फ्रंट में देखा था कंप्लीट ब्राउन, यहाँ पे बैक में भी आपको वैसा ही मिलने वाला है कंप्लीट ब्राउन, जो कि ब्राउन थ्रेडवर्क के साथ ही है। स्पेस आपको कहीं से कहीं तक कम नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे आपको स्पेस मिलने वाला है। यहाँ पे आपको कप होल्डर है जो कि आप अपनी बॉटल्स ईजिली कैरी कर सकते हो। आपको चार्जिंग पॉइंट मिला हुआ है, प्लस यहाँ पे भी आपको पॉकेट मिलने वाली है। और फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो लुक आपके सामने है, फिनिशिंग आपके सामने है, गाड़ी सच में बहुत अच्छी लग रही है। और इसके मैं अगर बैक सीट के कंफर्टेबल होने की बात करूँ तो एक्चुअल में जैसे मेरे को फ्रंट सीट पे बैठ के लग रहा था बिल्कुल कंफर्टेबल, वैसा ही बैक सीट पे भी फील हो रहा है, एकदम कंफर्टेबल। और पैटर्न अगर हम लोग देखें तो पैटर्न हम लोगों ने सेम आगे की तरह रखा है, जो कि सेंटर में कंप्लीट डायमंड है। तो सेम टू सेम आपको जैसे गाड़ी में फ्रंट फील होने वाला है, बैक में भी आपको वैसा ही फील होने वाला है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट और दिखाती हूँ आपको, मे बी इसमें दिख रहा होगा कि ब्राउन पार्ट कुछ और भी है। तो वो इसका ब्राउन पार्ट रहने वाला है इसकी फ्लोरिंग, जो कि हम लोगों ने 90 फ्लोरिंग की है और गाड़ी के अंदर प्रॉपर ब्राउन की है, ब्राउन थ्रेडवर्क के साथ की है, जो कि इस गाड़ी को कम्प्लीट लुक दे रही है ब्राउन के साथ मैच होके। तो हम लोगों ने फ्लोरिंग इसमें कम्प्लीट किया, ये गाड़ी हमारी पूरी इस तरीके से रेडी हुई है। और ये कम्प्लीट इंटीरियर हम लोगों ने किया है 3 से 4 दिन के अंदर, क्योंकि गाड़ी जब हमारे पास आई थी कस्टमर से, मतलब पहले वो मेरे पास आके सारी चीज़ें कंफर्म करा के जा चुके थे, उसके बाद वो सिर्फ मुझे अपनी कार हैंडओवर करने आए थे। और गाड़ी हैंडओवर करने के कम थर्ड डे हम लोगों ने ये गाड़ी डिलीवर कर दी थी, जिसके अंदर आप देख सकते हो काम और फिनिशिंग में कोई कमी नहीं है और गाड़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। साथ ही में अगर मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन में देखूँ तो एक्चुअल में सर बहुत हैप्पी है अपनी गाड़ी के इंटीरियर को लेके। तो गाड़ी का इंटीरियर एक्चुअल में बहुत अच्छा लग रहा है। आपको इंटीरियर कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर कहीं पे कोई आपको कमी लग रही है तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वो चीज़ ध्यान रखूँ। तो ये था मेरी एक नई थार का नया इंटीरियर मेकओवर, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटीरियर के साथ, और नेक्स्ट इंटीरियर में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है इंटीरियर के अंदर एक्सटीरियर के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। तो आप कब आ रहे हैं अपनी गाड़ी को हमारे पास कार स्टैंड नोएडा में लेके, तो जल्दी से आप आइए। अगर आप भी चाहते हो अपनी गाड़ी को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग लुक देना, तो उसके लिए आपको आना होगा कार स्टैंड नोएडा में, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहने वाला है 7278383833।